हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाम और आप देख रहे हैं गुडविल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ओपन ऑफिस इम्पैस में, जिसे कि हम लिब्री ऑफिस भी कहते हैं, हम किस तरीके से जो है वो प्रोग्रेस बार, एनिमेटेड प्रोग्रेस बार जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रल ऑफिस जो है वो उसको ओपन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक लिबरल ऑफिस जो है उसको ओपन कर लिया है। उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने ओपन की है। तो ये एक बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रेस बार जो है इसको डिज़ाइन किया है। तो देख लेते हैं इसको कि हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले हम इसको प्ले करके देखेंगे कि ये कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। ओके फ्रेंड्स, इसे प्ले करते हैं। यहाँ पर प्ले करने के लिए नीचे यहाँ पर मैं प्ले के बटन पर क्लिक करूँगा और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह से जो है वो प्ले होगी। तो फ्रेंड्स, हम इसे इसी जैसी एक और बार जो है वो यहाँ पर भी डिज़ाइन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ से ड्रा करेंगे। इसको यहाँ पर लाकर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल ड्रा कर ली। इसको अब हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे हम यहीं पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमारे पास दो रेक्टेंगल्स एक साइज़ की जो है वो आ जाएंगी। यहाँ से फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका सेटिंग्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैब जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैब्स के अंदर आएंगे और इसके अंदर से एक जो बॉक्स है उसको हम जो है वो यहाँ से फिल जो है उसका हम ख़त्म करेंगे और उसको नन पर ले आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स की जिसका हमने फिल ख़त्म किया है, इसकी जो लाइन की विड्थ है उसको यहाँ से नीचे से आकर जो है वो मैक्सिमम कर देंगे। 6 जो है वो उसका नंबर साइज हम जो है फिट करेंगे। उसके बाद हम इसके कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आउटलाइन जो बॉक्स है जो कि जिसके अंदर हमारा जो है एनिमेशन चलेगा, वो हमारा रेडी हो चुका है। अब ये जो ऊपर हमारे पास बॉक्स है जिसको हमने वैसे ही रखा है, नहीं छेड़ा, उसको हम ला कर इसके ऊपर रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए, क्योंकि मैंने ऊपर इसके जो डुप्लीकेट बॉक्स है उसको यूज़ किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे चला गया है। हो सकता है कि आपका ये बॉक्स जो है वो उसके ऊपर आ जाए। ऐसी सूरत में आपको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करना है और जो है यहाँ पर आपको आना है और जो है इसको अरेंज में आकर सेंड बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस तरह से जो है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर हमें एनिमेशन डालनी है, तो हम यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है गोल्डन कलर का, यहाँ पे हम जो है वो आ जाएंगे और यहाँ से जो है हम इसके अंदर एनिमेशन जो है उसको एडिट करेंगे। एनिमेशन हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास इफ़ेक्ट के अंदर वाइप जो है वो एनिमेशन हमारे पास पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी ये जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको सेट करने के लिए आप यहाँ से जो है डायरेक्शन पर आएंगे और इसको जो है वो यहाँ से फ्रॉम लेफ़्ट करेंगे या फ्रॉम राइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसके अंदर ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास उन्होंने दी है 0.50 सेकंड। तो इसको हम बढ़ाकर 5 सेकंड पर ले आएंगे, तो ये जो है ये ज़्यादा देर के अंदर अपना जो है वो टाइम में कम्प्लीट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और जो है इसके अंदर शायद ड्यूरेशन 5 सेकंड्स जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन दी गई है, तो हम इसको 5 सेकंड के अंदर देख लेते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा जो है वो पुराने मॉडल का है, इस वजह से ये जो थोड़ा सा इसके अंदर लैग आ रहा है। बाकी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छा काम करता है, बहुत इजी है इसको बनाना, इसको तैयार करना बहुत ही आसान है और इस तरह से आप एक कूल एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, एंड अल्लाह हाफिज।